यस, तो अभी इस तरह का, अभी मुझे एक कंप्यूटर टेबल मुझे क्रिएट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले सिमिलर टॉप व्यू पे जाके, ओके सो टॉप व्यू पे जाके आपको क्या करना है, एक क्यूब लेंगे, ओके सिमिलर आप कैसे किए थे, स्केल एक्स, तो थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए, ओके एक्स सो वाई स्केल वाई से मोटा कर दीजिए, मोटा जितना आपको मोटा होना है, मे बी इतना काफी लगता है, जी ओके तो इसके बाद एक्स इसको एक्स जेड यस जेड से थोड़ा सा पतला हम कर देते हैं, ऑलमोस्ट हाँ, तो ये बेहतर है। तो इसको री जेड से थोड़ा सा ऊपर हम लेते हैं ताकि इसका प्रॉपर हाइट मुझे मिल जाए, मिल ओके तो अगर हम अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम बहुत पतला सा ये लेते हैं टेबल का लेग जो है, ओके यहाँ पे मुझे पतला नहीं चाहिए, थोड़ा थिक चाहिए, ओके क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत जगह है, ओके सो जैसे पायों को उसका पैर जो है उसी पे उन्होंने कबूल को फिक्स कर दिया है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से टॉप व्यू पे जाता हूँ, टैब प्रेस करके एडिट मोड पे आता हूँ, लूप कट से अभी मैं इसको थोड़ा मोटा यहाँ तक रखूंगा, ओके तो सिमिलरली इसको भी थोड़ा सा मूव करके यहाँ तक मैं एडजस्ट करता हूँ, राइट तो अब इसको थोड़ा सा नीचे में घुमा के सिलेक्शन बॉक्स लेके फेस सेलेक्ट करके ये दोनों फेस को सेलेक्ट करता हूँ, ओके तो इन दोनों फेस को एक्सट्रूड करके थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ओके सी राइट तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा गैप उन्होंने छोड़ा है, जी ओके तो वो गैप छोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बॉटम व्यू पे जाइए, फिर से मैं एज लूप लेता हूँ, ओके और इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा गैप ऐसे छोड़ता हूँ, ओके सिमिलर यहाँ पे भी मैं उसी तरह करूँगा, दोनों बॉक्स पे भी दो छोर पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा और फेस को सेलेक्ट करके अभी ये चारों फेस को मैंने सेलेक्ट कर देना है इस तरह, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो बॉटम व्यू से कर रहा हूँ मैं, ठीक है तो इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे पर्सपेक्टिव व्यू पे आके एक्सट्रूड और हल्का सा इसको छोटा करना है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए तो थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ सो ताकि वो जो गैप है वो हमें क्रिएट हो जाए, राइट तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये पीछे का जो डिवाइड है, ओके वो तो इसको अभी क्रिएट करना है, तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा साइड में लेके जाके, ओके फिर से एज लूप लेता हूँ यहाँ पे लूप कट, इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट करता हूँ, ओके सो ताकि मुझे यहाँ पे वो गैप मिले, ओके तो अब इसी से वो पूरा यहाँ तक नहीं आया, आधा ही आया है, ओके तो इसलिए एक और मुझे एज लूप की जरूरत है जो कि ऑलमोस्ट मुझे यहाँ तक चाहिए, हेलो सुनाई दे रहा है, जी दे रहे सर। ओके ओके तो अब मैं क्या करूँगा, ये ऊपर का जो फेस है सिलेक्शन बॉक्स से ऊपर का फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके और इसे एक्सट्रूड करके तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट तब आप देख सकते हैं, राइट तो ये पूरा मामला जो है वो एज लूप आप किस तरह सेट करेंगे उसी के ऊपर है, राइट तो इसके बाद अभी आपको क्या करना है, एक नीचे का बेस हमें जो है सही, ये पूरा रेडी हो गया, तो अब मुझे यहाँ पे भी कुछ डिवाइडेशन करना है, तो यहाँ पे नीचे एक ही है जो बॉक्स पूरा कवर है, ऊपर दो डिवाइड है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एज लूप लेके
इसको ऑलमोस्ट इसी के हाफ में ऐसा रखता हूँ, या फिर थोड़ा सा आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, तो इतना मैं रखता हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन बॉक्स से फेस आप सेलेक्ट करेंगे इसका। ओके, तो ये फेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड में इसको अंदर की तरफ खींचता हूँ। ये अंदर कैसे हुआ सर? मैं क्या किया, ये जो फेस ये कट जो मैंने डाल दिया। ओके, तो ये एज लूप आपका समझ में आ गया कैसे डाला मैंने। तो तब मुझे क्या हो गया, ये बॉक्स सेपरेटली मिल गया, मिल गया। राइट। तो सिलेक्शन बॉक्स से फेस को लेके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ वो अंदर का एरिया उतना ही मुझे सेलेक्ट हो गया। तो अब एक्सट्रूड प्रेस करके अगर आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। जी तो मैं बाहर की तरफ खींचने से बदले मैं इसको अंदर धकेल रहा हूँ। जी जी ओके, तो अभी मुझे ये बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो छोटा सा डिवाइड है पार्टीशन डिवाइड है। पार्टीशन, इसको करना है। इसी को भी मैं क्या करूँगा, अभी फिर एज लूप से यहाँ पे इसके एग्जैक्ट हाफ एक और लेता हूँ और सिमिलरली इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ तक। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, फिर से सिलेक्शन फेस, अभी ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करके इसको यहाँ तक आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए अभी हमारा वो बन गया अभी पूरा। जी ओके, बिल्कुल तो ये जैसे यहाँ पे डिवाइड है तो वो डिवाइड बन गया। बिल्कुल। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप अलग से आप बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल उतना हम एडवांस नहीं जाएंगे। नहीं नहीं हाँ जी सर। ओके, तो इसी से आप डिजिटाइजेशन कर रहे हैं तो हाँ ये जहाँ पे हमें करना है वहाँ सेलेक्ट होता करना पड़ता है क्या हाँ बस ये? आपको एज लूप लेना है। ठीक हाँ है, हाँ और ये लूप जहाँ कट लेके जहाँ हाँ पे आपको करना है माउस को बस उतना घुमा लीजिए। एक बार आपको कहाँ पे करना है वैसे ही करेक्टली येलो आ गया, तो उसके बाद आप बस उसको क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए तो आपके एग्जैक्ट पोजीशन पे वो आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये सारे मोड़ दिया है ये सब अपने आप चला जाएगा वहाँ पे, जैसे हाँ कि बैक जा रहा है फिर फ्रंट आ रहा हाँ है। हाँ ये कनेक्टिविटी कैसे है वो से अपने आप ही चला जाएगा वो। अच्छा जी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डिवाइडर का पूरा हिस्सा वो अपने आप ही ले लेता है। ओ हिस्सा ले लेता है। जी। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे फिर से फेस को सेलेक्ट करना है, ये छोटा सा हिस्से को आपको सेलेक्ट करना है, एक्सट्रूड करके यहाँ पे इसको बस पूरा अंदर की तरफ आपको डाल देना है बस। ओके, तो ये भी हो गया आपको डिग्रेडेशन। ओके, तो दोबारा क्या किए वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डाउन किया हुआ है। ओके, तो अगर आप कंप्यूटर को देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डाउन की तरफ किया हुआ है। तो उसके लिए मैं आप टॉप व्यू पे आ जाइए, लूप कट लेके ऑलमोस्ट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ और फेस को सेलेक्ट करके ये वाले हिस्से को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, चाहे तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एक्सट्रूड करके इसको थोड़ा सा नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो आपको वहां पे वो गैप भी बन गया, राइट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ओके, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ उन्होंने शेल्फ उन्होंने ऊपर की तरफ खींचा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो डिवाइडेशन ऑलरेडी है मुझे, तो बस मुझे सेलेक्ट करना है फेस पे ये तीनों को। ओके, तो यहाँ पे यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये भी येल शेप में जहाँ तक गया है, तो ये येल और ये इसका येल शेप, तो मैंने सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करके इसको ऊपर की तरफ खींचना है। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया आपको ऊपर का शेल्फ, तो इन्होंने क्लोज भी किया हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे एक डिवीजन और टू डिवीजन्स, यहाँ पे एक छोटा सा,
सो टोटल 3 डिविजन्स मुझे करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बैक टू एज लूप आऊँगा, लूप कट, यहाँ पे एक एज लूप डालूँगा, इसके प्रॉपर सेंटर में एक और ऐसे डालूँगा, 2 डिविजन हो गए, और यहाँ पे एक और एज लूप, सो 3 डिविजन्स, राइट। पहले ही डाल लेंगे, हाँ पहले ही डाल देना है, बाद में एक एक करके भी आप डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओके। लेकिन पहले ही डाल दे तो आपको थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिलेक्शन बॉक्स से बॉक्स फेस सेलेक्ट करके एक ही फेस आप सेलेक्ट करेंगे, ओके, ये साइड वाला, ओके, इसको एक्सट्रूड करके पूरा आप यहाँ तक लेके जाएंगे, राइट। तो ये पूरा बन गया आपको यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला ये भी फुल है, तो तब आप क्या करेंगे, इसका ये साइड वाला इसको भी सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे और फुल एंड तक इसको भी आप लेके जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या है, ये एक ही इस पे आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये साइड में सेलेक्ट करके एक्सट्रूड, सिर्फ जहाँ तक इसका एज है तो उतना ही आप इसको ड्रैग करेंगे, सी, बहुत आसान है, जैसे वो कॉम्प्लेक्स दिखता है ना मोंटी जी, उतना है नहीं, बस आपको प्रॉपरली डिवाइडेशन करने की जरूरत है। आपके लिए तो सर, आप सर हैं तो आपके लिए आसान है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बॉक्स को, मैं यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे गैप नहीं चाहिए, इसलिए इसको मैं एक्सट्रूड करके क्लोज कर देता हूँ, ओके। सो देख लीजिए कितना सिंपल तरीके से ये बन रहा है, बहुत सिंपल, सिंपल खूबसूरत भी हो गया।